बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देख रहे होंगे पीछे धुंध, देख लें कि लाहौर में, लाहौर सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा धुंध है। तो जो दूसरे रिमोट एरियाज़ वगैरह होंगे और कोई विलेजेस की अगर हम बात करें, वहाँ कितनी ज़्यादा धुंध होगी। और कल मैं जब अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा था कि कुछ रस्ते में पार्शली कुछ पार्ट जो थे वो तो धुंध से बिल्कुल कवर थे और कुछ जो पार्ट थे बिल्कुल क्लियर थे, वहाँ सूर्य की जो शुआएँ हैं वो रोशनी पड़ रही थी। और इसके साथ जो है, मैं आपके साथ मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट क्या शुरू किया था। और अभी जो मैंने पिछले लास्ट आपने व्लॉग में मैंने आपको, और जैसा कि मैंने पिछले अपने लास्ट व्लॉग में बताया था आपको कि मैं अपने घर में जो है पेंट वगैरह शुरू की है, पेंट वालों से मैंने एक मशवरा किया और जब उनको, पेंट वालों को पता चला कि मेरा YouTube चैनल है तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप ये वाला कलर ले आएँ तो आपको जो है बहुत ही सूटेबल होगा और आपकी जो वीडियोस हैं वो स्टूडियो टाइप की हो जाएगा आपका कमरा, और आपको बिल्कुल इस तरह की कोई भी शीट वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं अभी आपको बताता हूँ, उस कमरे की तरफ जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो कमरा किस तरह का पेंट हुआ है। और अभी धुंध की जो है कंडीशन मैं आपको साइड से दिखा दूँ, उसके बाद मैं जो है आपको अपने कमरे की तरफ लेके जाता हूँ, वो वाला कमरा जो मैं स्टूडियो जिसको बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और एक मेरा कमरा ऐसा भी है जो ऑलरेडी स्टूडियो, ये सेकंड कमरा है जिसको मैंने थोड़ा सा पेंट शेंट करवाया, इस तरह का करवाया कि वो स्टूडियो का वो एक लुक नज़र आए उसकी, स्टूडियो की। तो अभी जो है मैं कैमरा दूसरी तरफ करता हूँ और आपको बताता हूँ कि धुंध की क्या कंडीशन है। ये देख लें, ये धुंध, आपको धुंध बिल्कुल नज़र आ रही होगी। ये बिल्कुल जो अभी ये वाला घर है, और ये वाला देख लें और ये वाला देख लें, ये बिल्कुल तकरीबन मेरे से जो है वो 50 मीटर दूरी पर भी नहीं होंगे, जो बिल्कुल आपको विजिबिलिटी, उसमें ज़ीरो विजिबिलिटी, विजिबिलिटी है लेकिन अगर हम कह सकें कि ज़ीरो विजिबिलिटी है वो भी हम कह सकते हैं। अभी मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे, आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मैं गुज़र के जा रहा हूँ। और ये सारा आपको जो सामान दिख रहा हुआ नज़र आ रहा है, ये पेंट वगैरह करने वाले लोग, ये देखे यहाँ पेंट पड़ा हुआ है और ये पेंट की वजह से सारा आगे पीछे हुआ हुआ है। जब फिर पेंट वगैरह होता है तो आपको बहुत सी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ती हैं और घर में जो है आपको बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। और अभी मैं फिर जो है आपको कमरा दिखाता हूँ, यहाँ से लाइट मैं ऑन करता हूँ, ये देखिए लाइट ऑन हो गई है। ये वाली देखें दीवार, ये ऑफ वाइट है और ये वाली भी ऑफ वाइट है, ठीक है। और ये वाली जो दीवार है वो मैंने करवा ली है ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन। इसको हम जब भी क्रोमा की के थ्रू जो है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आने वाली जो भी वीडियोज़ होंगी आप उसमें देखेंगे, और मेरे जो व्लॉग होते हैं इसमें व्लॉग भी हैं, इसमें ये है कि हम जो है अपनी वीडियो वगैरह एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें लर्निंग वगैरह भी है। और इसके साथ मैंने जो आपको बैक पे अभी नज़र आ रही है, ये वाली जो दीवार नज़र आ रही है बिल्कुल ग्रीन दीवार है, और हम क्रोमा की भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो में कुछ सेकंड के लिए क्रोमा की भी अप्लाई करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए ये देखिए जो बैकग्राउंड है बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी जल्दी जो है आपको दो सरप्राइज़ भी दूंगा, और सरप्राइज़ देने आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आपको मैं सरप्राइज़ दूंगा कि मेरे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो वो ड्रीम्स कौन कौन से हैं और मैं आपको बताऊंगा भी। ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैंने कहा कि ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ कि मैंने जो है अपने कमरे में ये क्यों किया है। और ऊपर आपको, अगर आप ऊपर देखें, ऊपर वाइट है और साइड पर जो है ये ऑफ वाइट है, और ये बैक वाली मैंने ग्रीन करवाई है। और जो मेरी स्टूडियो वाला कमरा है वो भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वो स्टूडियो वाला कमरा है वो अभी मैं, हमने वो उसमें इन प्रोसेस काम, तो अभी वो चेंज कर देंगे एक दो दिन में। उसको भी मैंने क्रोमा की के लिए एक पूरी शीट लगाई हुई थी, को मैंने तकरीबन 1200 रुपये की ली थी, तो वो मैंने चेंज करके ना वो क्रोमा की जो शीट है वो मैंने उतार दी है, और उनको मैंने कहा यही वाला पेंट कर दें, ये उतर भी नहीं, उतरेगा भी नहीं। और जो है इसका ये बेनिफिट है कि वो ये भी नहीं होता कि अगर कोई हवा चल रही है या कोई
बच्चा उसको छेड़े तो ये उतर जाएगा और जो फट जाएगा, ये इसमें फटने वाला कोई मसला नहीं होता। अगर कोई उतर जाए या कोई मसला हो तो आप इसको चेंज भी करवा सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता। तो वो वाला आपको मैं कमरा चेक करवाता हूँ कि वो वाला कमरा जो है वो अब क्या कर रहे हैं उसमें। अभी मैं उसकी तरफ जाता हूँ। वो वाला जो कमरा है मेरा, जो स्टूडियो कमरा है वो ये है, ये देखें। और ये मेरा जो है मॉडम लगा हुआ है ये वाला, और इसकी जो स्पीड है 5 MB है। और इसके साथ जो है ये वाली शीट पे मैंने लगाई हुई थी ग्रीन जो शीट थी क्रोमा की, के लिए अपना बैकग्राउंड, वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो अब उन्होंने जो पेंट वाले, वो कहते हैं भाई आप इसको इस तरह करें कि आप इस पे भी ग्रीन जो कलर है वो करवा लें ताकि आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा हो। अगर आप कहीं भी दीवार जितनी ज़्यादा होगी, आप कहीं भी मूवमेंट करके जाते हैं तो आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा, आपका बैक ज़्यादा कवर होगा। तो मैंने कहा चले ठीक है, अगर अच्छी ही बात करते हैं और अच्छी किसी की बात हो तो उसकी मान लेनी चाहिए। तो इस वीडियो के लिए एंड करते हैं, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। और इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको जो है अपना ड्रीम, उसका सरप्राइज़ देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।